दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि नए फ़ॉन्ट्स जो है मैं अब आपके साथ रिवील करने वाला हूँ, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नया फ़ॉन्ट देने वाला हूँ जिसका नाम है डिजी फ़ॉन्ट 008। जी हाँ, ये एक अपडेटेड फ़ॉन्ट है। इसके पहले मैंने इसका मेन वर्जन जो है निकाला था। अब जिन लोगों ने उसे परचेज़ किया था उनको फ्री में ये मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले कुछ कंडीशंस है, वो आप ठीक से देख लेना। अगर आप यहीं पे वीडियो स्किप कर देते हो और डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करते हो कि मुझे अपडेटेड फ़ॉन्ट चाहिए, तो गलत बात है। आप वीडियो पहले पूरा देख लीजिए क्या कंडीशंस है आपको उस फ़ॉन्ट को लेने के लिए, वो सारी जान लीजिए, उसके बाद आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पहले इस फ़ॉन्ट को ख़रीद लिया है तो आपको पेमेंट कन्फर्म करना ज़रूरी है। उसके लिए आपको कौन से तरीके हैं पेमेंट कंफर्म करवाने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका है, आपको जिस ईमेल आईडी पे मैंने फॉन्ट भेजा था, अगर आपके पास उस ईमेल आईडी की कॉपी है, यानी मैंने जो फाइल आपको मेल पर भेजी है उसी मेल का, उसमें जो फाइल मैंने आपको भेजी थी उसी मेल का आपको स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है, तो तुरंत आपको वो फॉन्ट मिल जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है, जो पेमेंट आपने मुझे किया था उस पेमेंट में, उसके स्क्रीनशॉट में, उस पेमेंट में अगर आपने रिमार्क में इस फॉन्ट का नाम डाला है तो ज़रूर आपको तुरंत ये फॉन्ट मिल जाएगा। यानी जो पेमेंट आपने किया था 20 रुपीज़ का, उसके नीचे आपने रिमार्क में डाला है या फिर ऊपर रिमार्क में डाला है डीजी फॉन्ट 008, तो इमीडिएटली आपको फॉन्ट मिल जाएगा। तीसरी चीज़, पेमेंट आपने किया था और आपने रिमार्क में नहीं डाला है तो ऑब्वियसली आपको फॉन्ट जो है मिल तो जाएगा, लेकिन अगर उसी के साथ आपने ईमेल आईडी का स्क्रीनशॉट भेजना है जिसके ऊपर मैंने फॉन्ट भेजा था, या फिर अगर आपने व्हाट्सएप पे उस फॉन्ट को मंगवाया था तो उसी व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट, यानी जो फाइल मैंने भेजी थी उसी का स्क्रीनशॉट चाहिए, तभी आपको ये मिल जाएगा। जो ये तरीके मैंने बताए हैं उनमें से कोई भी प्रूफ आपके पास नहीं है, ईमेल आईडी का स्क्रीनशॉट नहीं है, व्हाट्सएप का नहीं है और पेमेंट का भी नहीं है, तो आपको ये फॉन्ट नहीं मिल सकता। ये तो था सिंगल यूज़र्स के लिए जिन्होंने 20 रुपीज़ पे करके ये फॉन्ट ख़रीदा था। अब बारी आती है जिन्होंने इसे पैकेज के साथ ख़रीदा था, यानी 500 रुपीज़ पे करके या फिर 450 रुपीज़ पे करके ऐसा पैकेज मैंने जो बनाया था, उनमें से अगर आपने इसे लिया है और वो पेमेंट कर दिया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक तो उस ईमेल आईडी का स्क्रीनशॉट भेजना है जिसमें मैंने वो ऑल फॉन्ट भेजे थे आपको, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना है। उसके बाद तुरंत आपको ये 8 नंबर का फॉन्ट जो है अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा। अब बात करते हैं जिन्होंने पेमेंट किया था और उसके रिमार्क सेक्शन में आपने ऑल फॉन्ट लिखा नहीं था, तो उनके लिए एक ऑप्शन है, आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, उसके बाद जिस नंबर से आपने पेमेंट किया था उसी नंबर से दोबारा मुझे उसी पेमेंट गेटवे पर हाई करना है, यानी गूगल पे या फिर फ़ोनपे, जिससे भी आपने पेमेंट किया था उस पे दोबारा से मुझे हाई करना है, ताकि वो कन्फर्म हो जाए कि आपने पेमेंट किया था और आपको ये फॉन्ट ज़रूर मिल जाएगा। ये कुछ प्रोसेस है, इसके बाद ही आपको ये जो अपडेटेड वर्जन है वो मिल सकता है। और स्पेशली मैं बता दूँ, जिन लोगों ने पेमेंट तो किया था लेकिन उसके पास कुछ भी प्रूफ नहीं है, अभी ऑप्शन नहीं है, तो आई एम सॉरी, फॉन्ट आपको नहीं मिल सकता। कन्फर्मेशन ज़रूरी है, भले ही आप मेरे कितने भी करीबी हो, फॉन्ट ऐसे लोगों ने वायरल किए हैं जो कि कभी भी किसी के पास भी मौजूद हो सकता है, तो ऐसे में मैं किसी के ऊपर बिलीव नहीं कर सकता। पेमेंट कन्फर्मेशन या फिर व्हाट्सएप कन्फर्मेशन ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको नया फॉन्ट जो है अपडेटेड वर्जन मिल सकता है। तो आपने डिस्प्ले पर देख ही लिए किस तरीके की इसकी डिज़ाइंस है। बहुत ही मेहनत करनी पड़ी मुझे इस फॉन्ट को डेवलप करने के लिए। पिछला जो वर्जन था उसमें कुछ 2 या फिर 3 वेरिएबल्स थे, अब जो फॉन्ट मैंने डेवलप किया है उसको अपडेट जो किया है बहुत सारे वेरिएबल्स थे और उसमें जो बग्स थे वो सारे फिक्स करके आपके सामने ये रखा है, आप डिज़ाइंस देख सकते हैं। तो यही प्रोसेस है, अगर आपको ये फॉन्ट अपडेटेड लेना है, यानी पुराने आपने परचेस किया था
और आपको अपडेटेड वर्जन फ्री में चाहिए तो यही प्रोसेस है। अब बात करते हैं जिनको ये फॉन्ट नया लेना है उनको क्या करना है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक पेमेंट का नंबर मिल जाएगा, उसके ऊपर पेमेंट करना है। फिर उसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, सक्सेसफुल पेमेंट का। उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे एक ऑनलाइन फॉन्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है प्रोवाइड किया जाएगा, उसको आपको कम्प्लीटली फिलअप करना है। फिलअप करने में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, जो जो सेक्शंस दिए हुए कम्प्लीटली रियल इन्फॉर्मेशन आपको आपकी डाल देनी है, जैसे आपका नाम, पता, बर्थ डेट और उसके नीचे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब सही सही आपको फिलअप कर देनी है। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम है जो है फॉन्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो फॉन्ट परचेस करना चाहते हैं, एक हो, दो हो या फिर तीन हो, वो सब यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। जो फॉन्ट आपने परचेस करना है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपकी आईडी सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी आपके पास आईडी है, वोटर आईडी, आधार आईडी, आप डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने उसमें डाली है वो मेरे पास आ जाएगी और मैं उसे पहले वेरीफाई करूँगा। अगर उसमें मुझे कुछ गलत लग रहा है तो याद रखिए वो फॉर्म जो है आपका रद्द कर दिया जाएगा। इनफैक्ट आपको उसका जो रिफंड है वो भी नहीं मिलेगा, एक ही बार आप वो फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। अब जब वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा उसमें ये क्लियरिफाई हो जाएगा कि इसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली रियल है, लीगल है, तो उसके बाद आपको आपके ईमेल आईडी पे फॉन्ट की फाइल्स मिल जाएगी। और याद रखना फॉन्ट सिर्फ मेल आईडी पर ही मिलेगा, व्हाट्सएप पे आपको फॉन्ट नहीं मिलेगा। फ्यूचर में अगर फॉन्ट डिलीट हो जाता है आपसे तो याद रखिए मेल से आप उसका बैकअप ले सकते हैं, तो ये बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो आप आईडी मेरे पास दे रहे हो क्या वो सेफ है। जी हाँ, सब कुछ, आप किसी को भी आपकी आईडी दे सकते हैं, सेफली रहेगी। अगर आपकी आईडी आपके बैंक से कनेक्टेड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। अगर बैंक से आपको कोई ओटीपी आता है या फिर आपको पासवर्ड देने के लिए बोला जाता है तो वो फ्रॉड हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ, ओटीपी या फिर पासवर्ड या फिर यूज़र नेम कुछ भी नहीं आपसे मांग रहा हो, तो आप समझ ही सकते हैं कि आप बिल्कुल सेफ जा रहे हो। दूसरी बात, जब आपको फॉन्ट मिल जाएगा तो याद रख लीजिए आपको सेफली उसे यूज़ करना है। यूट्यूब पे अगर यूज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट ज़रूरी है, क्रेडिट देने के बाद ही अलाउ हो सकता है, वरना स्ट्राइक आपके चैनल पे आ सकती है। आप आपके पर्सनल डिज़ाइन में, बैनर में यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फॉन्ट की फाइल्स जो है सेफ रखनी है आपको। किसी को भी आपको फॉन्ट की फाइल्स देनी नहीं है, चाहे सगा भाई भी हो, उसको बोल देना कि डिजिटल एडिट से लाइसेंस ले लीजिए, उसके बाद ये फॉन्ट जो है आप यूज़ कर सकते हैं। यही बेसिकली तरीका है फ़िलहाल यूज़ करने का। आई एम सॉरी, लेकिन ये करना ज़रूरी है, पहले ही ये कदम उठाना ज़रूरी था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं उठा पाया और मुझे इतना पता नहीं चला कि मैं ये फॉन्ट जो है इतने अच्छे तरीके से डेवलप कर सकता हूँ और लोग जो है इसका इतना ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, उस वजह से ये गलती हमारे से हो गई। अब आगे से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि जो फॉन्ट मैं जिस बंदे को दे रहा हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद भी, इवन जो आप ओल्ड फॉन्ट खरीदना चाहते हैं वो फॉन्ट भी आप इसी तरीके से ले सकते हैं। आपको अगर लेना है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी ही होगी, उसके बाद ही आपको फॉन्ट मिल जाएगा। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारे मराठी क्रिएटर है, जो मराठी व्यूवर्स है, उनके लिए गुड न्यूज़ है। हमने मराठी कंटेंट के लिए स्पेशली नया चैनल बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी से जाइए वहाँ पर, हमें सपोर्ट कीजिए और वहाँ पर भी आपको मराठी में बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे इसी की तरह नए फॉन्ट्स भी मैं रिवील करने वाला हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।